हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स ऑन लोकेशन वीडियो। जॉइंट फिल्म्स म्यूज़िक पर दिखाए जाने वाले गानों का शूट चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्टर्स को पूरा मौका मिलता है कि वो एक्टिंग सीखने के साथ साथ वीडियो एल्बम्स में, वेब सीरीज़ में, शॉर्ट फिल्म्स में काम करें, और साथ ही जॉइंट फिल्म्स अकेडमी में फिल्म मेकिंग के जो स्टूडेंट हैं उनको मौका मिलता है कि वो इस तरह के क्रिएटिव वर्क में ज्वाइन कर सकें और कल को अपने भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके शूट कर सकें। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, Joint Films वेबसाइट पर अवेलेबल है। बाखुदा ये बहुत ही अच्छा रोमांटिक सॉन्ग है, Joint Films म्यूजिक पर रिलीज हो चुका है, तो आप अगर वहाँ देखना चाहें कि पूरा गाना बनने के बाद कैसा लगता है तो देख सकते हैं Joint Films म्यूजिक पर जाके। यहाँ पर हम गाने के शूट को दिखा रहे हैं, ऑन लोकेशन वीडियो दिखा रहे हैं, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ कि कैमरा एक्टिंग में आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। अब क्योंकि ये गाना है तो डायलॉग नहीं है, बस डायरेक्टर के कमांड पे एक्टर जो हैं वो मूवमेंट दे रहे हैं, एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। और आपको ये भी देखना होता है इस तरह के रोमांटिक सीक्वेंस में कि जो को एक्टर है आपका वो भी आपके साथ कम्फर्टेबल रहे, उसको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो स्क्रीन पर बहुत ही बेकार नज़र आएगा, चीप नज़र आएगा। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनको कंफर्टेबल फील कराते हुए, उनके साथ फ्रेंडली रहते हुए, अपने शॉट्स को बहुत अच्छे से जैसा डिज़ाइन किया गया है वैसा ही उसको परफॉर्म करें, ताकि ऑन स्क्रीन वो बहुत अच्छा लगे। अब ये जो शॉट है ये भी गाने का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ड्रामेटिक है, एक कैफ़े का शॉट है, तो कैफ़े की एक्टिविटी है। तो कई बार एक्टिंग में आपको ये भी करना होता है कि जो गाना चल रहा है उसमें सिंक नहीं होता है, तो जो डिफरेंट एक्टिविटी डिज़ाइन की होती हैं डायरेक्टर ने, कोरियोग्राफर ने, उनको एक्ट करना होता है। और फ्रेम की लाइवनेस के लिए इस तरह के मूवमेंट दिए जाते हैं कि वो एंट्री लेंगे, एग्जिट होंगे। अब यहाँ पे वो गलत मार्क पे आ गए थे इसलिए उनको दोबारा भेजा गया और दोबारा शॉट लिया जा रहा है। तो डायरेक्टर ये भी देखते हैं कि कौन से मार्क पे एंटर होना है, कौन से मार्क पे एग्जिट होना है। आपको शूट करते करते हुए अपने एक्सप्रेशन के साथ साथ डायरेक्टर के कमांड को भी फॉलो करना होता है और टाइमिंग का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये मास्टर शॉट है तो यहाँ पर टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अब जिस मूवमेंट पर उनको आना था उस मूवमेंट पे आए। अब देखिए यहाँ पे जो अदर एक्टर हैं जिनको उन्होंने खींचा शोल्डर से पकड़ के, नेक से पकड़ के, उन्होंने अपना फोर्स भी यूज़ किया, क्योंकि अगर आप अपना फोर्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि चोट लगने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता और वो झूमा झटकी उतनी अजीब नहीं लगती, क्योंकि पहले से वो प्री प्लान्ड है। तो अगर दोनों एक्टर मिलके उसको प्रैक्टिस करते हैं और सही से करते हैं तो ही वो बहुत स्मूथ लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दोबारा शॉट लेना पड़ा वही। अब देख रहे हैं आप, ब्लॉक में दोनों कॉर्नर्स पे हैं, तो कॉर्नर्स पे होने में आपको ये ध्यान रखना कि आप बहुत ज़्यादा आउट ना हो पाएँ और जो एक्टिविटी आप दिखाना चाहते हैं वो प्रॉपर दिखा पाएँ। अभी देखिए क्लोज में उनके आईज एक्सप्रेशन, और कैमरा एक्टिंग में बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो कहना चाहते हैं वो आपकी आंखों से भी नज़र आए। अब यहाँ पे सिर्फ स्टाइल में उनको करना है और कुछ भी नहीं करना है, तो उतना ही किया है उन्होंने और अदर एक्टर ने अपना फोर्स यूज़ किया है, क्योंकि अगर वो उनको पकड़ के खींचते तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी फ़र्क आता। सेम शॉट को दोबारा क्लोज में, लेकिन आई लुक मेंटेन करना है। अब इसमें जो अदर कैरेक्टर है उसकी एंट्री भी दिखाई गई है, और देखिए जिस टाइमिंग पे उनको देखना था अदर एक्टर को उसी टाइम पे देखा है, उससे पहले ऑडियंस के लिए इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि उनकी एंट्री हुई है। तो ये शॉट, मास्टर शॉट और वो थ्री शॉट, ये तीनों जब मिक्स होकर आपको देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जॉइंट फिल्म्स म्यूज़िक पे आप जाके देख सकते हैं। अब ये थ्री शॉट अलग है, जहाँ पर अलग एंगल से दिखाया गया है कि वो उठ के आते हैं।
इस तरह के ऑन लोकेशन वीडियो आपको कैसे लगते हैं? क्या आप भी इसी तरह से वीडियो एल्बम में, शॉर्ट फिल्म में, वेब सीरीज में काम करना चाहते हैं? जॉइंट फिल्म्स एकेडमी से जुड़कर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में गाइडेंस के लिए कि आपके लिए बेस्ट फिल्मी करियर स्टार्ट करने का तरीका क्या रहेगा जानने के लिए कॉल करें, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। अब ये अलग शॉट है क्योंकि ये एक तरह से उस कहानी का ट्रांजिशन है जहाँ पर वो पहले पुलिस स्टेशन में मिले थे, उसके बाद यहाँ देखा और आगे बात बढ़ी। तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए कई शॉट ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और लिया जाता है। अब ये सिर्फ एंट्री का शॉट था, एंगल अलग है क्योंकि ये मेन सीन है, इसलिए मैंने बोला कि इसके बहुत सारे शॉट लिए जाएंगे ताकि बहुत अच्छे से ऑडियंस को एस्टेब्लिश हो पाए। सो ये था फ्रेंड्स आज का ऑन लोकेशन वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जॉइंट फिल्म्स में 3000 से भी ज़्यादा वीडियो हैं जो आपकी स्ट्रगल को कट शॉर्ट कर सकते हैं और आपको बॉलीवुड में सफल बना सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।